नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल यानी कल उनकी जयंती है। हम उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर आपसे रूबरू हुए हैं, इसलिए आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के समाज को लेकर, भारत की सत्ता को लेकर, भारत की आवाम को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर क्या बातें कही, बहुत संक्षेप में, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना लिखा है और इतना विशाल है उनका वांग्मय कि हम उनकी सारी बातों को इस छोटे से कार्यक्रम में समेट नहीं सकते। लेकिन हम आज के भारत की चुनौतियों के बरक्स, आज के भारत के जो बड़े सवाल हैं उनके बरक्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस देश के यशस्वी महानतम चिंतक, महानतम विचारक, उनकी क्या धारणा, क्या उनके विचार उभरते हैं, हम इस पर बात करेंगे। और आपको मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के उनके अपने जो शब्द हैं, मैं उनका तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो उन्होंने 1940 में जो बातें कही थीं, आप देखिए कि आज के भारत को वो किस तरह एक तरह से प्रतिबिंबित करती हैं और किस तरह बताती हैं कि जो खतरा बाबा साहब उस वक्त देख रहे थे, कैसे आज हमारे मुल्क के लोकतंत्र के दरवाजे पर वो न केवल दस्तक मार रहा है बल्कि उसने लोकतंत्र की चूलें हिला कर रख दी हैं। आप देखिए, मैं कोट करता हूं, भारत को हिंदू राष्ट्र या हिंदूवाद आधारित राष्ट्र बनाने की कल्पना या विचार एक विनाशकारी विचार है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। ऐसा राष्ट्र जो हिंदुइज्म पर आधारित हो, उस समय हिंदुत्व नहीं अभी चलन में आया था, इसलिए बाबा साहब ने आमतौर पर हिंदुइज्म शब्द हर जगह यूज किया है, हिंदू या हिंदुइज्म। ऐसा राष्ट्र जो हिंदुइज्म पर आधारित हो, वो स्वतंत्रता, समता यानी बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा ही नहीं, उसके खिलाफ होगा, इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये सन 1940 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात तब कही जब पार्टीशन से लेकर के और हिंदू मुसलमान के तमाम सवाल मुंह बाए खड़े थे, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और देश के बड़े बड़े स्वाधीनता सेनानी, विचारक, जिन्होंने भारत के बारे में स्वप्न बुना था, जो एक तरफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ नए भारत का सपना बुन रहे थे, उन सबके सामने एक बड़े यक्ष प्रश्न की तरह था कि आखिर नए भारत का निर्माण किस आधार पर होगा। बाबा साहब जब कहते हैं कि भारत को जिस तरह की जमीन चाहिए एक नए भारत की, वो क्या है, वो कहते हैं वो समता है, वो स्वतंत्रता है, वो बंधुत्व है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों अगर मूल्यों को हम लें तो बहुत सारे दुनिया के जो समाजशास्त्री, इतिहासकार, भारत के भी, इसको फ्रांस की राज्य क्रांति से जोड़ते हैं, और जो सही भी है कि फ्रांस की राज्य क्रांति से निकले ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने तई प्रभावित किया था। लेकिन बाबा साहब स्वतंत्रता, समता और जो सौहार्द का जो प्रश्न है, भाईचारे का जो प्रश्न है, उसको बुद्धिज्म से जोड़ते हैं। वो ये नहीं कि फ्रांस की राज्य क्रांति के महत्व को नकारते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे बुद्धिज्म में ये तमाम जो मूल्य हैं वो सन्निहित हैं यानी शामिल हैं। भारत की महान परंपरा, भारत की महान जो वैचारिकी है, उसके सकारात्मक पक्षों से वो जोड़कर एक नए भारत के निर्माण का सपना बुनते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण एक सोच है जो आज़ादी की लड़ाई के समय परिलक्षित होती रही। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण जो मुझे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थॉट्स में नज़र आती है, वो ये है कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, जब भारत की संविधान सभा में उसका संविधान एडॉप्ट किया जा रहा था, उसके एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत को संबोधित करते हुए क्या कहा था, क्योंकि संविधान सभा उस समय भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, और उसमें जो उन्होंने बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो कहते हैं, मैं अपने, भाषा मेरी है, अनुवाद मैंने किया है उनके 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 शब्दों का, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाए, लेकिन ये कंटेंट हूबहू वही है। वो कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम अंतविरोधों की जिंदगी में दाखिल होंगे,
ये तब की बात है जब भारत आजाद हो चुका था, नई सरकार बन चुकी थी, लेकिन संविधान अभी लागू नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों की जिंदगी में दाखिल होंगे। राजनीति में तो समानता होगी, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू होगा, पर सामाजिक आर्थिक असमानता बरकरार रहेगी। अगर हमने सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को भरने की कोशिश नहीं की, उसको कम से कम नहीं किया, तो मुश्किलें पैदा होंगी और जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद हम रख रहे हैं उसको लोग चुनौती देंगे, आवाम चुनौती देगी और लोग उसको ध्वस्त करने में आगे बढ़ेंगे। ये एक खतरा, एक चुनौती, एक तरह का अल्टीमेटम बाबा साहब पूरे व्यवस्था के संचालकों को देते हैं कि इस देश की अब मूलभूत समस्या क्या है कि समानता यानी गैर बराबरी को ख़त्म करके एक मिनिमम, एक न्यूनतम जो चीज़ें हैं समाज में लागू करना वो ज़रूरी हैं, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक स्तर पर एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत लागू करना अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद देश में जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरह का आज हालात हम देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो आदर्श थे, जो उनके विचार थे, जिन बातों को लेकर उन्होंने आगाह किया था, सचमुच उनको नज़रअंदाज किया गया? आने वाली सरकारों ने अगर उन पर अमल किया होता तो आज भारत के सामने इतना गहरा संकट न होता कि हमारा संविधान तो मौजूद है, लोकतंत्र की इबारतें मौजूद हैं उनके पेजों पर, लेकिन लोकतंत्र गायब होता जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता लुटती जा रही है, संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जो विचारधारा है संविधान की, उसे खत्म किया जा रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सचमुच हमने उन लोगों के आदर्शों विचारों को नजरअंदाज किया, हमने उनको तवज्जो नहीं दी। और दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बाबा साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि जब वो कहते हैं कि समानता, तो समानता उनके लिए एक बहुत ठोस और स्थायी मूल्य है, लेकिन आज देखिए इस देश में जितनी असमानता पैदा हुई है, जितनी गैर बराबरी पैदा हुई है, वो 1922 में भारत में जितनी गैर बराबरी थी उससे भी ज़्यादा है। ये आंकड़े देश के और दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के बाद पाया है कि यह देश आज़ादी के बाद इतने वर्षों बाद उसके समाज में गैर बराबरी और बढ़ी है। क्या एक मुल्क गैर बराबरी जिसमें इतनी ज़्यादा हो वो लोकतांत्रिक हो सकता है? एक सवाल। दूसरा सवाल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण उनको देना था लाहौर में, और वो भाषण नहीं दिया जा सका। उस भाषण का जो शीर्षक था वो था इनहेलेशन ऑफ कास्ट। इनहेलेशन ऑफ कास्ट एक बुकलेट के रूप में, किताब के रूप में उन्होंने छापी 1936 में, और बड़ी दिलचस्प बात है कि कुछ ही दिन बाद उसका न केवल कई भाषाओं में तर्जुमा हुआ बल्कि कई बुकलेट्स सामने आए, उस पर महात्मा गांधी ने भी रिएक्ट किया। उस किताब में डॉक्टर अंबेडकर साफ साफ कहते हैं, जो एक बुकलेट के रूप में छपा उनका भाषण, उस किताब में वो खुलकर कहते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या उसकी विचारधारा जो सामाजिक स्तर पर है, जो धार्मिक स्तर पर जो उसके मूल्य हैं, जो उसको विरासत में मिले हैं, वो हैं। और वो ये कहते हैं कि भारत में जो जाति है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो जनतंत्र के विलोम है, जनतंत्र के उलट है। अगर भारत वर्ण व्यवस्था आधारित समाज के रूप में बरकरार रहता है लंबे समय तक, तो यकीनन उसकी डेमोक्रेसी को आप सुदृढ़ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जाति यानी हिंदुत्व की जो मूल धारणा उनके मुताबिक वो वर्ण व्यवस्था है। उनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था के बगैर हिंदू धर्म जो है, जो मौजूदा हिंदू धर्म है, वह उसका कोई आकार नहीं दिखता। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स की जरूरत है, अगर सुधार की जरूरत है, तो वह पहला सुधार होगा कि आप वर्ण व्यवस्था का नाश करें, आप जातियों का को नष्ट करें। और जातियां कैसे नष्ट होंगी, उन्होंने अनेक उपाय बताए थे, उसमें अंतरजाति विवाह से लेकर अंतरजातीय भोज और तमाम तरह के मेल मिलाप, और इसके अलावा जो राजनीतिक स्तर पर जो कदम उठाए जाने की उन्होंने बात की थी वो था, लेकिन उन पर तवज्जो नहीं दी गई। एफर्मेटिव एक्शन
जो सकारात्मक कार्रवाई है जिस पर उन्होंने जोर दिया था, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था कि कैसे धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था को कमजोर किया जाए। वो ये कहते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जातियां केवल एक श्रम विभाजन थी, एक एक डिवीजन ऑफ लेबर था, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ये लेबर केवल डिवीजन का केवल ये लेबर का डिवीजन नहीं है, बल्कि ये श्रम का केवल डिवीजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का भी डिवीजन है। तो वो जाति को, वर्ण व्यवस्था को एक तरह से समाज के लिए, जनतंत्र के लिए और भारत के भविष्य के लिए खतरनाक मानते थे। अगर आप उनकी इन बातों को देखें जो 1936 में कही थी, वो आज कैसे बिल्कुल हूबहू सही और ठोस सच के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, आप सोच सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने सितंबर 1951 में, हम सब जानते हैं कि कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी उससे इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे से एक तरह से भूचाल आ गया था उन दिनों, तमाम तरह के सवाल उठने लगे थे कि बाबा साहब ने क्यों इस तरह का कदम उठाया। लेकिन उन्होंने इस्तीफे के बाद संसद में बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने भाषण दिया और बताया कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते, उनका साहित्य जबकि उपलब्ध है 17 वॉल्यूम में, वो अंदाज लगाते हैं कि उन्होंने शायद केवल हिंदू कोड बिल पर दिया था। लेकिन हिंदू कोड बिल एक हिंदू कोड बिल ही केवल नहीं था, उसमें जेंडर इक्वेलिटी के मामले बहुत अहम थे जिन पर बाबा साहब हमेशा जोर देते थे। और भारत में जिन कुछ बड़े नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई के समय सबसे अधिक महिलाओं के मामले में, मजदूरों के मामले में बड़े काम किए थे, बड़े कानूनी प्रावधान इंट्रोड्यूस किए थे आज़ाद मुल्क होने से पहले और आज़ाद मुल्क होने के बाद, उनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उल्लेखनीय व्यक्ति हैं, उल्लेखनीय नेता हैं। उन्होंने, ये महज संयोग नहीं है कि उनकी पार्टी का नाम भी लेबर पार्टी एक समय था, बाद में रिपब्लिकन और दूसरे और फेडरेशन उनके सामने आए, लेकिन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एक महत्वपूर्ण पहल उनकी राजनीतिक उनके जीवन में थी। और जो हिंदू कोड बिल को लेकर उन्होंने इस्तीफे की बात की, उसमें तीन एक केवल मुद्दा नहीं था, हिंदू कोड बिल एक था जिसमें जेंडर इक्वेलिटी का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट था, और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा उनका था जिसको लेकर उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, जिसकी बहुत कम चर्चा की जाती है और पता नहीं क्यों इतिहासकारों ने भी इस पर ज़्यादा तवज्जो इसको नहीं दिया है, वो था कि उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार से कई बार इस मुद्दे पर बात हुई, लेकिन जो संविधान के आर्टिकल 324 का की रोशनी में, अगर मैं मानूं, जो मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर इसी धारा के, इसी अनुच्छेद के तहत ये बात कह रहे थे कि जो कमीशन बनाने की बात थी अत्यंत पिछड़ी जातियों को लेकर, जिन्हें OBC कहा गया बाद के दिनों में, पिछड़ी जातियों के कमीशन बनाने की जो बात थी, उनको लिए एफर्मेटिव एक्शन क्या इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए या उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो कमीशन सरकार ने नहीं बनाया, उसके लिए कोई ठोस पहल नहीं की, ये दूसरा मुद्दा था उनके इस्तीफे का। और तीसरा मुद्दा जो था वह विदेश नीति और भारत की रक्षा नीति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में और साथ साथ अपने भाषण में भी इस बात को बताया कि जो सरकार है उसकी विदेश नीति कितनी फाल्टी है, हम अपने दोस्त कम बना पा रहे हैं, हमारा जो छोटा सा बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा हम अपनी रक्षा में खर्च कर रहे हैं। एक तरह से आज भारत जिस तरह के खतरे से जूझ रहा है, वैदेशिक स्तर पर रक्षा उसकी नीति, उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज, मुझे लगता है कि वो खतरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के आज़ाद मुल्क होने के कुछ ही वर्ष के अंदर ही देख रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे। और आज भी देखिए, हम अपने लोगों को शिक्षित करने पर, उनको स्वस्थ बनाने पर, इनोवेशन पर, आविष्कारों पर कितना खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम रक्षा बजट पर कितना खर्च कर रहे हैं, हम रफाल खरीदते हैं हजारों लाख करोड़ खर्च करके, लेकिन उससे भी कम खर्च करते हैं हम 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य पर। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बाबा साहब बहुत पहले विजुलाइज कर रहे थे। और बिल्कुल अंत में जाते जाते हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस देश के इतिहासकार जो सामाजिक दार्शनिक स्तर पर मूल्यांकन करते हैं नेताओं का या बुद्धिजीवियों का, उन्होंने भी बाबा साहब के साथ लंबे समय तक मुझे लगता है न्याय नहीं किया। शुरू के दिनों में उनको सिर्फ एक दलित आइकन या भारत के संविधान के
निर्माता या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में केवल देखते थे कि यही दो बड़े महत्वपूर्ण काम हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर उनके साहित्य की रोशनी में उनको देखा जाए, उनके राजनीतिक बौद्धिक हस्तक्षेपों की रोशनी में देखा जाए, तो भारत के आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद के दिनों में एक महानतम दार्शनिक विचारक के रूप में उभरते हैं। और अंत में मैं ये जरूर कहूँगा जाते जाते कि अपने दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस तरह से भारत का स्वप्न बुन रहे थे, भगत सिंह भी अपने ढंग से भारत का एक स्वप्न बुन रहे थे। एक इतिहास के छात्र होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर में अगर भगत सिंह, अगर उनको फांसी न हुई होती, अगर वो बहुत कम समय में शहीद न हुए होते और लंबे समय तक वो काम कर रहे होते, और भगत सिंह अंबेडकर की जोड़ी अगर एक हो गई होती, तो शायद भारत कुछ और होता, भारत का नक्शा कुछ और होता, भारत का सोच कुछ और होता, आज भारत की तस्वीर कुछ और होती, यहाँ की आबादी, यहाँ के लोग, यहाँ की शासन प्रणाली बेहतरीन होती। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार।